और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी पर प्रस्ताव पास हो गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। शाम को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने वाली है और उससे पहले ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव पास हो गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सर्वसम्मति से सभी ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। शाम को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें भी इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। बिल्कुल बनना चाहिए। वो निडर हैं, साहसी हैं, आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, पढ़ते हैं मुद्दे, उनकी जानकारी रहता है। ये हमारी वर्किंग कमेटी का सर्वसम्मत से अनुरोध था। यूपी ने शानदार प्रदर्शन इंडिया एयरलाइंस को दिया है, अब यूपी से आते हैं, यूपी को लेकर क्या चर्चा हुई? मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सही निर्णय लिया और एक ऐसी सरकार के खिलाफ मतदान किया जो तानाशाह। इस मीटिंग की और खास बातें क्या रही? कुछ राज्यों में हमने जनता को धन्यवाद दिया है, आगे चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत से जुटे रहने का संकल्प। राहुल जी जिम्मेदारी लेंगे विपक्ष के नेता के तौर? हमारा अनुरोध है, हमें स्वीकार करना चाहिए। पर ये सभी का ये भावनाएं थी कि वो विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बने, आम जनता की आवाज़, आम लोगों की जो आवाज़ है वो महंगाई, बेरोजगारी, जो आज पूरी तरीके से परेशान है नौजवान, हमारा अग्निवीर, हर चीज़ को उठाए, जिस पे राहुल गांधी जी को सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया, मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करें। सर्वसहमति से पूरी सीडब्ल्यूसी में भी इस पे चर्चा हुई और मुझे लगता है कि आज शाम को जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है उसमें निर्णय लिया जाएगा। राहुल जी हाउस के अंदर में एलओपी रहें या ना रहें, लेकिन पिछले 10 वर्षों से देश की जनता के एक अपोजिशन के लीडर के रूप में वो अपनी भूमिका भलीभांति निभा रहे हैं, जहां पर हर मुद्दे को लेकर मोदी जी के आंखों में आंखें डालकर वो प्रश्न पूछते हैं अंदर भी और बाहर। सर आपका नाम अविनाश है, लेकिन आपने यूपी में बीजेपी जो विजय रथ पर थी एक तरीके से उसका विनाश कर दिया, कौन से अहम फैक्टर रहे सर जिसने मोदी योगी जोड़ी जो अपराजय कही जाती थी उसको आपने ध्वस्त कर दिया? सबसे पहली बात तो यूपी की जनता का विश्वास, पूरे संगठन का और हमारे गठबंधन का एक टीम वर्क, और सबसे बड़ी चीज है कि माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का नेतृत्व, और उनने जो एक प्रकार से हमें प्रेरित किया कि संघर्ष में बिना किसी चिंता किए, बिना किसी डर के हम सब पूरे, और इसमें आप जानते हैं कि जनता ने राहुल जी पर, गठबंधन पर, माननीय प्रियंका जी पर विश्वास किया और आशीर्वाद दिया, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी। सर सीडब्ल्यूसी में समीक्षा भी हुई, आकलन भी हुआ उत्तर प्रदेश को लेकर, सोनिया जी या खड़गे जी ने प्रोत्साहन दिया, क्या बोला सर? मैं बहुत खुश हूँ कि एक बहुत ही संतोषजनक सभी लोगों ने तारीफ की और वहाँ पे जो टीम वर्क हुआ उसके बारे में उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन हम यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। हमें अब आगे 2027 को लक्ष्य रखते हुए इसी मजबूती के साथ, इसी अच्छे टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई। अखिलेश यादव ने नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। विपक्ष की आज की बैठक कई मायनों में बहुत ही खास रही। आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के मुद्दों की जीत हुई। समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए, एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है। 2024 के चुनाव में हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं सबसे पहले तो सभी अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को बधाई देना चाहूँगी और साथ में उत्तर प्रदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जहाँ उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति का आज सहयोग करके
एक भारी संख्या में लोगों को संसद में पहुंचाने का जो काम किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सबको। अयोध्या की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जिस तरह से मैं समझती हूँ वो लोगों का, लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद जो चुना है वो समाजवादी पार्टी का चुना। आज के ये दिन खुशी के दिन आने का मौका है। आज बड़ी बैठक हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है? अब वो पार्टी अध्यक्ष जी बताएंगे आप। सर, जिस तरह से अयोध्या का जो मामला है, अयोध्या में जिस तरह से आप लोगों ने सीट हासिल की, क्या कहेंगे उसको लेकर? वहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और वहाँ के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया समाजवादियों को, उसके लिए विशेष तौर पर वहाँ के लोग आभारी हैं। जी, मुद्दे यही थे कि पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार दिया है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो उसी के लिए सबको, ये हमारी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन था, और सभी नेतागण और जो कार्यकर्ता हैं और जो भी नवनिर्वाचित सदस्य जीत कर आए, सभी को अध्यक्ष जी ने मुबारकबाद दी और प्रोत्साहन दिया कि सदन में किस तरीके से हम लोगों को पार्टी के लिए काम करना है। तो आज बहुत खुशी का दिन है हम सभी के लिए, बड़ी जीत पार्टी ने हासिल की है। जी, मैं यही कहूँगी, जीत जो ये जनता की जीत है, ये जीत है संविधान का जीत है, और मैं यही कहूंगी जो ये नफरत की राजनीति करते थे, हम मोहब्बत राजनीति करने वालों की जीत हुई है, और संविधान बचाने का जो हम लोगों ने नारा लगाया था उसकी जीत हुई है। और मैं यही कहूंगी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, और लोगों ने जवाब दिया कि धर्म की राजनीति को नकारा है और विकास की राजनीति को स्वीकार किया है। देखिए, हम यही कहेंगे कि जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पिलर्स है, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में कमजोर हुए, तो हमको मजबूत करने का काम करेंगे।